प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं, आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री, सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर ये नेचुरल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, मदद हो सकती है, क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करें, और एक और अपील है कि जो यहाँ के बागवान हैं और किसान हैं उनकी मदद के लिए भी जिस तरह की पॉलिसियाँ निकाल रहे हैं, जैसे आज ही मैंने पढ़ा कि शायद जो अमेरिकन सेब है उस पर 35% से 35% से 15% गिरा दिया है जो ड्यूटी है, इसका मतलब है कि उनके लिए यहाँ पे आयात करना आसान होगा तो हमारे किसानों का क्या होगा। और उसी तरह से शिमला में जो सेब की पेटियाँ हैं उनको खरीदने का जो दाम है वो कम कर दिया है कुछ बड़े उद्योगपतियों ने, इससे भी नुकसान है, पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी, कुछ लेडीज़ श्रमदान कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी जो कुछ ये बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है, कुछ रास्ते में कुछ लोगों ने रोका, उन्होंने भी किसी ने 5 लाख का चेक दिया, 1 लाख का दिया। ये भावना जो है, ये जो हिमाचल की भावना है, जनता की भावना है कि एकजुट होकर आपदा का सामना कर रहे हैं, उसी भावना से जुड़ी हमारी सरकार की भावना और हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना। तो सब इकट्ठे इस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे देश के लिए एक मिसाल है और पूरे देश को इसी से सीखना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को भी इसी भावना से मदद करनी चाहिए। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है, ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। इसीलिए छोटे से छोटे बच्चे स्कूल में थोड़ी सी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकारी जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ दिया। अभी हम आ रहे थे कि तो ये सेब के बगान जो मालिक हैं वो उन्होंने भी एक चेक दिया 5 लाख का, किसी और ने 1 लाख का दिया। फिर रास्ते से हम गुजर रहे थे, हमने देखा कि कुछ महिलाएं सड़क पे काम कर रही हैं, हमारी गाड़ी रोकी उन्होंने, उन्होंने कहा कि हम श्रमदान दे रहे हैं, हम इस सड़क को ठीक करने के लिए पिछले 10 दिनों से यहाँ आकर हम काम कर रहे हैं निःशुल्क। तो ये जो भावना है आपकी, इस भावना से ही आप मजबूत बनेंगे और जो भी आपदा आए अगर हम सब एकजुट होकर एक परिवार के समान एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, तभी हम ऐसी आपदाओं का सामना कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हुआ है। अभी मैं मनाली से आई हूँ, रास्ते में बहुत देखा कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन जैसे आपकी पाठशाला में इस तरह से जो पत्थर इस तरह से पहाड़ से गिर के आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा है कि कोई बच्चा नहीं था स्कूल में उस समय, ये रात को हुआ और सब सही सलामत है, लेकिन इतना नुकसान झेलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सारे मंत्री, जितने भी विधायक हैं, दिन रात काम कर रहे थे आपदा के समय भी और आज भी 24 घंटे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके हाथ मजबूत हों, आप फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएं। जितना नुकसान आप झेल रहे हैं उसकी आपको पूरी मदद मिले। जैसे आपने कहा, आपको आप कह रही थी कि आपके घर में दरार आया है तो उसके लिए भी कुछ सरकार पैसे देगी, और जिसका घर टूट गया है, जिसके यहाँ मृत्यु हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ की ये जो भावना आपने दिखाई है एकजुट होकर आपदा से लड़ने की, इसे पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं नहीं समझती कि इस समय यहाँ आकर हमें राजनीतिक बात करनी चाहिए, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और मैं खास तौर से जो भाजपा के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि इस आपदा के साथ आपके प्रदेश के साथ राजनीति ना करें, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार कांग्रेस की ना हो, लेकिन ये देखें
कि आपके प्रदेश में कितना नुकसान हुआ है, आपको कितना नुकसान हुआ है, आप किस तरह से एकजुट होकर उसका सामना कर रहे हैं, और उसी इसी भावना से वह भी जुड़ जाएंगे। और अगर यहाँ पे जो हुआ उसे वो एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें तो उससे केंद्र की तरफ से भी बहुत राहत मिल सकती है। तो जो हमारी प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है वो तो पूरी है। और जैसे कहा सुक्कू जी ने, कुछ भी हो गया हो, घर टूटा हो, दरार आई हो, जानवर मर गया है या कोई परिवार का सदस्य गुजर गया हो, उसकी मदद आपको मिलेगी। लेकिन कई ऐसे खर्चे हैं, जैसे इतनी बड़ी जो नेशनल हाईवे है इसको बनाने का काम ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो सिर्फ वो कर सकते हैं। तो उनसे अपील है कि वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें ताकि आपको और मदद मिले। और बाकी हम सब आपके साथ ही हैं, आपके सुख में साथ हैं, दुख में साथ हैं। मेरा तो आप जानते ही हैं, मेरा यहाँ घर है वास्तविक तौर पे, और मैं आती जाती हूँ। तो मैं फिर से सुक्कू जी, जब आप इस स्कूल को ठीक करेंगे तो एक बार फिर से मुझे बुलाइएगा।